सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीए पीयूष सर पे दोस्तों फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए और इसके पहले कि सोनल मुझसे बोले कि सर आप भी शेयर कर दीजिए मैं खुद भी शेयर कर देता हूं है कि नहीं तो भैया फटाफट सब लोग शेयर कर दो मैं भी शेयर कर रहा हूं एक बार आप लोग जितने सेशन में जुड़े हुए हैं जितने टेलीग्राम पे जितने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जहां भी जुड़े हुए हैं दोस्तों एकदम ताबड़तोड़ तरीके से इसको शेयर कर दीजिए ठीक है लो भैया शेयर भी हो गया ठीक है तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि अपना बैंकिंग का बेस्ट स्टार्ट हो चुका है और इसको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिल रहा है बहुत ज्यादा लोग एप्रिसिएट भी कर रहे हैं यूट्यूब ने सजेशन में भी भेजा वहां से भी बहुत सारे बच्चों ने जो है इसको सब्सक्राइब किया और बहुत सारे बच्चे जो है इसको देख रहे हैं तो इसलिए दोस्तों ये सेशन जो है आप लोग भी शेयर करें ये सेशन कल वाला सेशन है करीब 1100-1200 व्यूज पहुंच चुका है इसका इस सेशन को आप लोग भी शेयर करेंगे तो आप लोग के दोस्त लोग भी जो है उसको अप्रिसिएट करेंगे कि यहाँ पे सर ने बैंकिंग की क्लास फ्री में शुरू की है जो बैंकिंग को बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता अगर कोई पढ़ाता भी होगा तो ऑरियर फॉरियर नाम रख करके उसको बेचता होगा और बेचता होगा और उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाएगा जितना कि यहाँ पर आपको डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है इतिहास हम लोग दो दिन पढ़े हैं दोस्तों कल हम लोग स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक्स और 1991 के बाद का इतिहास पढ़ेंगे बैंकिंग में तो दोस्तों बहुत ही तफसील से पढ़ाऊंगा बड़े ही डेप्थ में ले जाके पढ़ाऊंगा चाहे वो सी हो एस हो एक एक चीज़ के आप इंटरव्यू तक में जब हमारे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे गए तो जब उन्होंने जवाब दिए तो इंटरव्यूअर तक हतप्रभ रह गया कि आप इतना डेप्थ में कैसे जानते हैं तो कह रहा सर मन मन मन, मनी, मन बोले पीयूष सर के स्टूडेंट है इसलिए डेप्थ में जानते तो पूरी बैंकिंग आप एक एक टॉपिक में डेप्थ में पढ़ाऊंगा दोस्तों और इसके लिए अब मैंने यह डिसाइड किया है कि रात नौ बजे वाला सेशन जो है मंथली करंट अफेयर का उसको इसी में मर्ज कर दिया जाएगा पांच बजे वाले में और रात को नौ बजे मैं एक और टॉपिक पे लेक्चर लूंगा जैसे यहां पे तो क्लास वाइज चलेगा वहां पे मैं कोई बर्निंग टॉपिक पढ़ा दूंगा कोई इशू चल रहा होगा तो उसको पढ़ा दूंगा या फिर जिस दिन कोई इशू नहीं समझ में आएगा उस दिन कोई फिनेंशियल टर्म्स का टॉपिक आप लोग को पढ़ा दूंगा तो दोस्तों ये मेरी अब जो है ये मैंने जो सोचा है कि अगर टॉपिक्स बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग करंट अफेयर कम करके टॉपिक्स को बढ़ा दे और अपना यहां मंथली रिवीजन वाली क्लास को इसी में मर्ज कर देंगे तो यहां तो मई खत्म हो ही गया जून तो शुरू हो गई ठीक है कैसा रहेगा बताइए आप लोग ये मेरा सुझाव कैसा है कमेंट करके बताइए तो ये पांच बजे वाला सेशन कल से रहेगा दोस्तों नौ बजे वाले सेशन को कल से हटा के कुछ न कुछ बर्निंग टॉपिक्स यहां पे रखेंगे और उसको आप लोग को रोज रात को नौ बजे एकदम स्पेशल बढ़िया ढंग से पढ़ा देंगे ठीक है क्लियर है बताइए मंजूर है दोस्तों डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी साढ़े पांच बजे की जगह छह बजे हो गई है इस बात का भी ध्यान रखिए जहां पे आपको सबसे तेज सबसे पहले सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स हम लोग देते हैं ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों यहां पे याद रखिए कि आपको वीकली करंट अफेयर की क्लास भी मैं हर संडे को देता हूं तो जो लोग पूरे वीकली रिवीजन करना चाहते हैं जो वीकली निचोड़ करना चाहते हैं जो वीकेंड पे पढ़ते हैं केवल जॉब वाले उन लोग के लिए वीकली करंट अफेयर की क्लास है दोस्तों ठीक है क्लियर है दोस्तों आइए शुरू करते हैं यहां पर अपने क्लास को जीए बाई प्यू से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए होंगे मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट में भी मैं डाल दूंगा और इन्फो में बायो में अबाउट में तो इस चैनल के मिल ही जाएगा आपको प्ले भी सबकी बनी हुई है और कम्युनिटी पे भी पोल्स होते हैं उसका भी आंसर किया कीजिए आप लोग दोस्तों शुरू करते हैं वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी 2022 की वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना की रैंक क्या थी भारतीय वायुसेना की रैंक क्या थी दोस्तों तो चीन से ऊपर थी भारतीय वायुसेना की रैंक और चीन से ऊपर थी तीसरी रैंक भारतीय वायु सेना की है दोस्तों ये याद रखिएगा बहुत बढ़िया बात है एयर पावर रैंकिंग में ये हमारे इंडियन एयर फोर्स को सलाम तो दोस्तों इंडियन एयर फोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं 8 अक्टूबर 1932 को दोस्तों हम लोग ने पांच बार खादी का जो सबसे बड़ा तिरंगा है 225 मीटर और 150 मीटर वाला वो हम लोग ने फहराया पांच बार जिसमें से एक बार एयरफोर्स डे पे भी फहराया था हिंडन पे हिंडन एयरबेस पे दोस्तों ठीक है जो एनसीआर रीजन में है दोस्तों हम लोगों ने दो अक्टूबर को भी फहराया था लेह लद्दाख में आठ अक्टूबर को यहां 21 अक्टूबर को लाल किले पे दोस्तों क्योंकि उस दिन 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे हुए थे फिर 4 दिसंबर को नेवी डे के दिन हम लोग ने गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई पे उसी तिरंगे को फहराया और फिर 15 जनवरी को हम लोग ने आर्मी डे के दिन राजस्थान में लोंगे वाला पोस्ट पे फहराया जो बॉर्डर मूवी वाला जो लोंगे वाला पोस्ट है समझ रहे क्लियर है याद रहेगा दिव्या बता दी यूएसए रशिया इंडिया टॉप थ्री ये हैं क्या बात है बहुत इंडियन एयरफोर्स ने पीएनबी के साथ भी टाइप किया इंडियन एयरफोर्स ने एसबीआई के साथ भी रिन्यूवल किया है ठीक है ओके चलिए बहुत बढ़िया इंडियन एयरफोर्स ने कैंपस बनाया है चंडीगढ़ में वेरी गुड इंडियन एयरफोर्स के हेड विवेक राम चौधरी हैं वेरी गुड आर हरिकुमार नेवी के वेरी गुड मनोज पांडे जनरल हैं वेरी गुड चलिए यानी कि थल सेना के अध्यक्ष हैं आर्मी के अध्यक्ष हैं आर्मी के, है, के जनरल हैं दोस्तों भारत इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के काउंटर के रूप में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने वाले बारह अन्य देशों के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में प्रवेश कर रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीएफ को कौन हेड कर रहा है दोस्तों एक आरसिफ समझौता था जिसमें कि आसियान कंट्रीज थी चाइना था जापान था ऑस्ट्रेलिया था न्यूजीलैंड था साउथ कोरिया था आसियान देश तो था ठीक है हम लोग आरसिफ समझौता कर लेते वो सोलह देश थे हम सोलहवें देश थे पंद्रह देशों ने कर लिया हमने कहा नहीं करेंगे क्यों चीन हमारे माल डंप कर देता इसीलिए चीन था उस ग्रुप में इसीलिए हमने उस पर नहीं किया अब इस इस ग्रुप को बनाया ही गया है चीन को काउंटर करने के लिए और अमेरिका ने बनाया है तो चीन तो हो ही नहीं सकता तो भाई साहब आरसेप के काउंटर में एक तरीके से आप समझ सकते हैं वैसे तो ये लोग मना कर रहे हैं कि हम लोग नए नए आरसेप के काउंटर में नहीं है लेकिन अंदर अंदर वही बात है कि दोस्तों ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंडिया भी हिस्सेदार है तेरह देश है टोटल इसमें तेरह देश में अमेरिका है ऑस्ट्रेलिया है ब्रुनई दारूसलम है इंडो इंडोनेशिया है जापान है साउथ कोरिया है न्यूजीलैंड है फिलीपींस है सिंगापुर है थाईलैंड है वियतनाम है ठीक है आइए दोस्तों इन, इन, इन तेरह देशों की राजधानी याद करने की कोशिश करते हैं देखते हैं याद है कि नहीं है अमेरिका की न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा ब्रुनई की बंदर सेरी बगावान इंडोनेशिया की जकार्ता नई वाली नूसन जापान की टोक्यो साउथ कोरिया की सियोल मलेशिया की क्वालमपुर न्यूजीलैंड की वेलिंगटन फिलीपींस की मनीला सिंगापुर का सिंगापुर थाईलैंड का बैंकॉक और वियतनाम का हनोई वियतनाम हनोई डांग थाईलैंड बैंकॉक बहत साउथ कोरिया सियोल वॉन्ड कुआलालमपुर मलेशिया रिंगिट ठीक है जापान टोकियो इंडोनेशिया का रुपया ही है ऑस्ट्रेलिया का डॉलर ही है यूएस का डॉलर ही है तो कुछ सोचना ही नहीं है तो ठीक है दोस्तों ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे तेरह देश हैं टोटल अच्छा ये तेरह देश में कहीं पे इंडिया तो नहीं लिखा हुआ है एक मिनट रुकी देखने दीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हाँ तो बारह तेरहवा देश इंडिया है अपना ठीक है तो बारह अन्य देश इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इंडिया को इसमें नहीं जोड़ रहा है इंडिया को जोड़ दोगे तो टोटल तो तेरह देश हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में दोस्तों यह हमारी ही जीत है जिस एरिया को पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था आज इंडो पैसिफिक कहा जाता है यह हमारी कूटनीतिक जीत है इसमें भी जापान की बहुत बड़ी मदद है जापान के सिंजो आबे ने दोस्तों इंडो पैसिफिक वर्ल्ड दिया था ठीक है तो उनका बहुत बड़ा योगदान है भारत के साथ दोस्तों किस बैंक ने पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के साथ कृषि व्यवसाय के लिए को लेंडिंग एग्रीमेंट किया है दोस्तों को लेंडिंग एग्रीमेंट क्या होता है को लेंडिंग एग्रीमेंट दोस्तों क्या होता है जब कोई बैंक दोस्तों 2018 में एक जीडीपी हम लोग की गिरी थी क्योंकि बैंक जो है उनके ऊपर पीसीए लगा दिया गया था आरबीआई के द्वारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बारह बैंक लोन ही नहीं दे सकते थे अब बारह बैंकों ने लोन नहीं दिया तो एनबीएफसी को फंड क्राइसिस हो गई और एनबीएफसी जो कि एमएसएमई को लोन देते थे वो जो है दोस्तों बैठने लगे आईएलएनएफएस कंपनी बैठ गई जीडीपी प्रोडक्शन गिरने लगा दोस्तों तो इस वजह से अब ये कहा जाता है कि एनबीएफसी को बैंक पैसा दे और आपस में मिलके किसी को लोन दे अगर एमएसएमई को देना है किसी हाउसिंग सेक्टर को देना है एक्सपोर्टर को देना है तो भाई एनबीएफसी जो है पूरा फाइल देखेगा सारी चीज देखेगा बैंक के पास पैसा है अस्सी परसेंट इसका लगा तो बीस परसेंट इसका भी लगाओ नहीं तो फर्जी लोन दे सकता है दोनों मिल के लोन दे दे तो दोस्तों यहाँ पे पैसा लो डिजिटल के लिए एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए यानी कि कृषि व्यवसाय के लिए लोन देगा दोस्तों यूको बैंक के साथ मिलकर किसके साथ मिलकर यूको बैंक के साथ मिलकर दोस्तों यूको बैंक दोस्तो का हेडक्वार्टर कहां है कोलकाता में पहले कोलकाता में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर था और इलाहाबाद बैंक का ये दोनों तो 2020 के मर्जर में खत्म हो गए अब तो केवल 12 बचे हैं 27 हुआ करते थे आज मैंने भारतीय बैंकिंग के इतिहास में 12 बजे पढ़ाया बारह बजे मैं बैंकिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं बैंकिंग का चैप्टर एकदम जीरो से जो लोग जीरो से पढ़ना से पढ़ना चाहते हैं हैं एकदम बेसिक शुरू कर रहे हैं। उन सभी दोस्तों को अपने आप जाके बता दीजिएगा सुनो तुम अभी शुरू कर रहे हो ना तैयारी तुमको बैंकिंग पढ़ना है ना तो अभी से पढ़ लो एग्जाम के बाद नहीं पढ़ पाओगे एग्जाम के बाद इतना समय नहीं मिलेगा अभी से आधी आधी घंटा पढ़ना शुरू कर दो इसीलिए मैं बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं बना रहा हूँ एक एक घंटे का नहीं बना रहा हूँ उसमें 40 40 मिनट का 45 मिनट का बस इतना ही रख रहा हूं ताकि आप लोग उसको खत्म कर लें पूरा ठीक है और अपनी बेसिक से जो है बैंकिंग को मजबूत कर लें ओके दोस्तों यूको बैंक ले दोस्तोंवार कोलकाता है कोलकाता में अब तो केवल एक प्राइवेट बैंक ही बची है बंधन बैंक जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में किसका है बंधन बैंक का वरना कभी तो कलकाता भारत की राजधानी थी जब यूको बैंक इलाहाबाद बैंक और ये सारे यूनाइटेड बैंक ये सब वहीं पे थे तो दोस्तों यूको बैंक का टैगलाइन जो है वह ऑनर योर ट्रस्ट और हेड है सोमा शंकर प्रसाद सोमा शंकर प्रसाद दोस्तों इसके हेड है आज मैंने बैंकिंग के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ इतिहास में बताया है दोस्तों कैसे कैसे कब कब कौन कौन से मर्जर हुए थे कौन कौन सी बैंक नेशनलाइज हुई थी एक एक चीज आज मैंने दोपहर को बारह बजे वाले सेशन में बताया है कुछ नए अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं यह भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक के का जो है दोस्तों सीईओ कौन है अजय कुमार श्रीवास्तव हैं स्वरूप कुमार शाह पंजाब एंड सिंध बैंक के चुने गए हैं और ए मनी मेखलाई मैडम ए मनी मेखलाई मैडम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हेड चुनी गई है ठीक है ये तीन नए चेंजेस हुए हैं दोस्तों ये बात याद रखिएगा ठीक है क्लियर है समझ गए तो दोस्तों यहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पीएनबी का भी देख रहे हैं हेड अतुल कुमार गोयल ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के हेड हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के हेड हैं ठीक है बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एएस राजीव केनरा बैंक के एल प्रभाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम वेंकटराम इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन इंडियन ओवरसीज बैंक अजय कुमार श्रीवास्तव पंजाब एंड सिंध बैंक एस के साहब पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल एस दिनेश कुमार खरा यूको बैंक सोमा शंकर प्रसाद और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ए मनी मेखलाई दोस्तों ये आप याद कर लेंगे ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत चलो वेरी गुड दोस्तों अगर बैंकों की स्थिति आप लोग जानना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि बैंकों की क्या स्थिति है इस समय तो 12 सरकारी बैंक हैं यह भी पूछता है कि भारत में कितनी ब्रांचेज हैं तो भारत में लोग अप्रॉक्स बता देते हैं सवा लाख ब्रांचेस है लेकिन ब्रांचों की संख्या दिन पर दिन घटती भी जा रही है जहां एस कस्टमर बढ़ा रहा है दोस्तों वहीं पे ये ब्रांचेस कम भी कर रहा है और सारे बैंक कम कर रहे हैं क्यों इंप्लाईज भी कम कर रहे हैं क्यों अब मशीन से ही काम चल जा रहा है ऐप से काम चल जा रहा है कितनी ऐसी नियो बैंकिंग शुरू हुई है जिसमें कि कोई ऑफिस खुली नहीं रही है ब्रांच ऑफिस खुली नहीं रही है जियो पेमेंट बैंक में एस ने थर्टी पैसा लगाया हुआ है और आज देखो पांच साल हो गए और उसका कुछ भी अभी हो नहीं रहा है वो सोच रहा है तो दोस्तों एक लाख बाईस हजार नौ सौ छिहत्तर ब्रांचेज है और दो लाख ग्यारह हजार तीन सौ बत्तीस ए टी है बारह सरकारी बैंक दोस्तों बचे हैं जो पिछले के पिछले साल अट्ठारह थे उसके पिछले साल जो है सत्ताईस थे दो में छियासी हजार तीन सौ ग्यारह ब्रांचेज सरकारी बैंक की यह क्वेश्चन एसबीआई में इस साल पूछा था यह रिपोर्ट आई थी दो तीन दिन पहले उसी के दो तीन दिन बाद यह क्वेश्चन आया था एक लाख सैंतीस हजार ए सरकारी बैंकों के प्राइवेट बैंकों में दोस्तों इक्कीस प्राइवेट बैंक है और पैंतालीस फॉरेन बैंक है फॉरेन बैंक ऊपर नीचे होता रहता है इक्कीस प्राइवेट बैंक में लक्ष्मी विलास बैंक जो चेन्नई वाला था वो था दोस्तों बाईस थे उस वो जो है खत्म हो गया उसका मर्जर हो गया डीबीएस बैंक इंडिया में ऐसे ही एक बैंक हुआ करता था आईएनजी वेस्ट बैंक जो आईनजी महिंद्रा बैंक में मर्ज हो गया अभी सिटी बैंक बैंक का जो फॉरेन है उसने अपना भारत से व्यापार बंद किया है रिटेल बिजनेस यानी सेविंग अकाउंट ये सब खोलना लोन देना बंद किया और ये सारा बिजनेस उसने किसको बेच दिया है एक्सिस बैंक को बेच दिया है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था ठीक है क्लियर है याद रहेगा भैया चेक रिपब्लिक और वियतनाम में मत इतना कंफ्यूज हो एक वाल एक है सस्पेंशन वाला एक है सस्पेंशन ब्रिज जैसे लक्ष्मण झूला है सस्पेंशन ब्रिज दोनों ही हैं लेकिन एक सस्पेंशन ब्रिज है सबसे लंबा उसमें जो है पुल बना हुआ है है ना लेकिन एक है जो ग्लास बॉटम का है एक जो है वो ग्लास बॉटम का है वियतनाम वाला ग्लास बॉटम वाला है ठीक है ग्लास बॉटम का मतलब सरफेस पे जिस पे वो चल रहे हैं वो उस उसपे ग्लास है नीचे खाई दिख रही है लोग चल ही नहीं पाते किनारे किनारे से जाते हैं कुछ रेंगते हैं कुछ लेट जाते हैं इतना डर लगता है उनको तो ऐसे वीडियोस आपने तमाम यूट्यूब पे देखे होंगे तो आपस में चेक रिपब्लिक और वियतनाम में इतना कंफ्यूज मत हो है दोनों सस्पेंशन ब्रिज एक लंबा सस्पेंशन ब्रिज है और दूसरा ग्लास बॉटम वाला ब्रिज है सस्पेंशन तो एक को सस्पेंशन याद करो एक को ग्लास बॉटम याद करो इतना कंफ्यूज मत हो ठीक है दोस्तों ने अभी एक जुलाई को अपना सड़सठवा जो है एसबीआई डे मनाया है एसबीआई जब हम लोग सारे बैंकों की स्थिति देख रहे हैं, तो भारत तो दुनिया के सबसे बड़े बैंक की स्थिति तो हम लोग देखेंगे लेटेस्ट स्थिति बाईस हजार ब्रांचेस 460 मिलियन कस्टमर यानी कि दोस्तों 46 करोड़ हो गए 45 करोड़ हम लोग पढ़ रहे थे ये एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है जो 1 जुलाई 2022 को ट्विटर पे एस ने ट्वीट किया था ईश्वर राव ने और जो लोग एस में जॉब कर रहे हैं वो लोग ने हमारे टेलीग्राम जीए बाई पीयूष सर पे भी डाला था ठीक है क्लियर है समझ गए दोस्तों अड़सठ हजार बिजनेस करेस्पोंडेंट है बिजनेस करेस्पोंडेंट किसे कहते हैं जब गांव में कहीं बैंक नहीं होती तो वो किसी दुकानदार को ही बोलते तुम ही अकाउंट खोल के दे दिया करो हम तुमको कमीशन दे, दे देंगे वो अपने दुकान पे एकदम पोस्टर उस्टर लगा के बैठ जाता है एस है ना वो बिजनेस करेस्पोंडेंट होते हैं पैंसठ प्लस ए और ए डब्ल्यू एम है मतलब मनी डिपॉजिट और विदड्रॉ मशीन भी जो होते हैं उसको भी इसमें गिना हुआ है हंड्रेड मिलियन दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग यूजर है हंड्रेड मिलियन दोस्तों एक मिलियन मतलब होता है दस लाख दस मिलियन मतलब एक करोड़ हंड्रेड मिलियन मतलब दस करोड़ तो इंटरनेट बैंकिंग यूजर इसीलिए तो इंप्लाई कम लग रहे हैं दस दस करोड़ जब इंटरनेट यूज करेंगे तो क्लर्क की जरूरत कहां पड़ेगी पहले जरूरत पड़ती थी पासबुक प्रिंट करवाने जाते थे क्लर्क की जरूरत चलान बनवाने जा रहे हैं क्लर्क की जरूरत डीडी बनवाने जा रहे हैं क्लर्क की जरूरत चेक क्लियर कराने जा रहे हैं फंड ट्रांसफर करने जा रहे हैं पैसा निकालने जा रहे हैं पैसा जमा कर हर जगह क्लर्क ही क्लर्क अब तो आप खुद ही अपने से क्लर्क की वैकेंसी गायब कर रहे हो कैसे पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हो पैसा निकाल ले रहे हो ए से ऑनलाइन फॉर्म भर दे रहे हो चलान वालान बनवा नहीं रहे हो ऑनलाइन सबको पेमेंट कॉलेज को भी पेमेंट ऑनलाइन तो अब बैंक में लोग जा ही नहीं रहे हैं तो भैया इंप्लॉय की कमी जो है धीरे धीरे कटौती होती जा रही है कॉस्ट कटिंग होती जा रही है अड़सठ हजार आउटलेट्स है दोस्तों मार्केट शेयर में 20 परसेंट का कब्जा है 45 लाख होम लोन कस्टमर हैं 23 परसेंट मार्केट शेयर डिपॉजिट में कब्जा है 5 करोड़ यो, योनो ऐप पर लोग हैं 5 करोड़ रजिस्ट्रेशन योनो ऐप पर है यू ओनली नीड वन छब्बीस हजार प्लस न्यू डिजिटल एस बी अकाउंट ओपन पर डे रोज सेविंग अकाउंट छब्बीस हजार सेविंग अकाउंट रोज खुलता है जब रोज इतना अकाउंट खुला तो एस बी आई वाले क्या करेंगे आपको इंटरटेन करके आपको बहुत ज्यादा जो है कि रिस्पॉन्स देके वो तो कहेंगे ना लंच के बाद आ रहे हैं अभी लंच का टाइम है अभी कुछ नहीं होगा लंच के बाद आना तो दोस्तों ये सड़सठवा उनका जो है बैंक डे है एस बी आई डे एक जुलाई को ठीक है क्लियर है मजा आया कि नहीं आया बताओ एकदम लेटेस्ट जानकारी मैंने आप लोग को दे दी कि नहीं दे दी वेरी गुड अब आइए महाग्राम ने देश के भुगतान तंत्र को डिजिटाइज करने और ग्रामीण भारत में अपने ग्राहकों के लिए लेन देन की व्यापक गुंजाइश प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है महाग्राम ने किसके साथ करार किया है मेरे भाई इंडस इंड बैंक के साथ इंडस इंड बैंक दोस्तों हिंदुजा ब्रदर्स का है जिसके अशोक लेलैंड ट्रक आता है इंडस इन, इंड इन्द बैंक दोस्तों जो है भारत के बेस्ट गुडविल वाले बैंकों में है हिंदुजा ब्रदर्स ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में शुमार है नाइनटीन फोर में आई थी हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र सुमंत कटपालिया सी एम डी है वी मेक यू फील रीचर इसकी टेगलाइन है वी मेक यू फील रीचर क्या है इसकी टेगलाइन है दोस्तों बार बार ये नियो बैंक नियो बैंक वर्ड आता है महाग्राम तो ग्रामीण नियो बैंक नियो का मतलब होता है हंड्रेड परसेंट डिजिटल हंड्रेड परसेंट डिजिटल ठीक है हंड्रेड परसेंट डिजिटल तो डिजिटल इंड सीएक्स अवार्ड भी जीता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पेमेंट में इंडिया इंडसइंड बैंक ने दोस्तों ग्लोबल सेलेक्ट मॉडल बैंक अवार्ड भी जीता है तो इंडस इंड गुडविल में बहुत अच्छा है अच्छे अच्छे अवार्ड्स जीतता है इंडस इंड बैंक एक अच्छा बैंक है जो किसी रेस में नहीं रहता वो काम बहुत ठोस करता है ठीक है क्लियर है याद रहेगा ओके इंडस इंड बैंक के बारे में पता चल गया कौन कौन से अवार्ड उसने जीते दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अब सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है पहली महिला अधिकारी दोस्तों कौन बन गई है आर्मी एविएशन कॉप्स की दोस्तों फटाफट बताइएगा तो उसका नाम है अभिलाषा बराक अभिलाषा बराक बिकेम द फर्स्ट वीमेन कॉम्बेट एविएटर इन द इंडियन आर्मी फर्स्ट वीमेन कॉम्बेट एविएटर इन द इंडियन आर्मी ये बनी है चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी से इसके बाद दोस्तों जो आर्मी का एविएशन कॉप्स को ऑप्ट किया आर्मी में भी उड़ने वाला जो कॉप है उसमें उसको किया 2022 में सिक्स कार्मी कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स को कंप्लीट किया और जो है विंग्स का जो है इनको दोस्तों वो मिला तमगा मिला और अलोंग विथ 36 आर्मी पायलट एट कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में दोस्तों इन्होंने भी पास किया और ये पहली महिला है जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया और भारत की पहली कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं महिलाओं में ठीक है क्लियर है याद रहेगा अभी दोस्तों लेफ्टिनेंट शिवांगी जो थी वो पहली रफेल की पायलट थी जो रिपब्लिक डे के इस बार के समारोह में सलामी भी दी रहा था उन्होंने परेड में पिछले साल दोस्तों भावना कंठ थी जो भारत की पहली पायलट थी दोस्तों जो रिपब्लिक डे में शामिल हुई थी परेड में ठीक वरा, है लेफ्टिनेंट शिवांगी वाराणसी की हैं और लेफ्टिने वो जो है क्या नाम है भावना कंठ जो है वो दरभंगा बिहार की थी ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों रॉल्स रॉयस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें ब्रिटिश उप उच्चायोग की महारानी द्वारा मानद आधार मानक अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ हिंदी में मजा नहीं आएगा पहले तो अवार्ड का नाम यहां से निकाल लो अलग ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है ठीक है इंडिया और साउथ एशिया के रॉल्स सोयस कंपनी के हेड को मिला है चलो ठीक है हर मैजेस्टी क्वीन के द्वारा दिया गया है हर मैजेस्टी क्वीन यानी मेली एलिजाबेथ की बात हो रही भैया जो सत्तर साल शासन करके थाईलैंड के राजा को हरा चुकी हैं अब बस फ्रांस के लुई 14th को हराना बाकी है उन्होंने 72 साल शासन किया था बस भगवान जो है कि इनकी उम्र को बचाए रहे 95 साल 97 साल की हो चुकी हैं तो दोस्तों अभी सीबीई अवार्ड मिला था अजय पिरामल को और ओबीई अवार्ड किसको मिल गया है रॉयस के हेड को इंडिया में जो रॉल्स रॉयस के हेड हैं उनको मिल गया किशोर जय रमन को अजय पिरामल को सीबीई अवार्ड मिल चुका है अजय पिरामल अपने फार्मा बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को अलग करने के लिए आरबीआई से अप्रूवल भी ले चुके हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस को इन्होंने टेकओवर किया था पिछले साल तो दोस्तों ये किशोर जयरमन और अजय ये दोनों भारत और यूके के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं यूके में बोरिस जॉनसन जी दोस्तों इस्तीफा दे चुके कि हमको प्रधानमंत्री नहीं रहना है तुम लोग हमारा जो है रिस्पेक्ट करो ठीक है दोस्तों भारत ने किस देश के साथ नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया है तो दोस्तों बोंगो सागर का थर्ड एडिशन जाहिर सी बात है कि किसके साथ होगा फटा इसमें ई ऑप्शन नहीं है ई ऑप्शन नीचे चला गया होगा लेकिन बी से बोंगो सागर मतलब बंगलादेश इसमें कुछ सोचना ही नहीं है बोंगो मतलब बंगला बोंगो मतलब बंगला अच्छा कॉर्पेट देख करके ये मत सोचना कि कॉर्पेट हमेशा भारत या नेपाल के बीच में या भारत या बांग्लादेश के बीच में अभ्यास है वो तो किसी के साथ भी हो सकता है ठीक है किसी के साथ भी हो सकता है तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो सबके साथ हो रहे हैं दोस्तों आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेज़ जो इधर बीच हुए हैं जैसे काजिंद जो है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच धर्मयुद्ध गार्जियन सिन्यू मैत्री ये इंडिया और जापान के बीच ठीक है दस्टलिक इंडिया भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ले भारत और सेशल्स के बीचल्स विक्टोरिया रुपया है ना सेशल्स के अभी स्वाधीनता दिवस में दोस्तों कौन भाग लिया है इंडियन नेवी के ऑफिसर्स भाग लिए हैं है ना पार्टिसिपेट किए दोस्तों इंडिया और यूएस के बीच में रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास मालाबार एक्सरसाइज ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं। भारत और ओमान के बीच में दोस्तों अल नगे अल नगे होता है और नसीम अल बहर होता है भारत और ओमान के बीच में अल नगे होता है और नसीम अल बहर होता है ठीक है क्लियर है याद रहेगा दोस्तों एकुवरीन जो है वो इंडिया और मालदीव के बीच में गरुण शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में स्मृति और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में समृति सम्प्रीति इसको कहेंगे पी पीबी होगा गरुड़ अगर देखा जाए तो भारत और तो फ्रांस के बीच में लेकिन गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में जैसे यहां पे है नसीम अल बहर इंडिया उमान के बीच में अगर जायर अलबहर हो जाए जायर अलबहर तो वो फिर दोस्तों भारत और कतर के बीच में होता है वही कतर हमाद एयरपोर्ट जिसका बेस्ट है वही कतर जो कि भारत पे को जो है कि इंडियन एम्बेसी से तलब कर लिया था नुपुर शर्मा विवाद में दोस्तों गरुण और वरुण इंडिया फ्रांस के बीच में खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है ठीक है क्लियर है समझ गए और डेजर्ट वॉरियर भारत और इजिप्ट यानी भारत और मिस्र के बीच में अल मुहाद अल हिंदी जो है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में होता है दोस्तों पहली बार ये नेवी एक्सरसाइज हुआ अच्छा भारत और यूएई के बीच में भी एक एक्सरसाइज पहली बार हुई दोस्तों उसका नाम भी आप लोग बताएंगे तो मजा आ जाएगा सूर्य किरण दोस्तों इंडिया ये आप आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन भी रहेगा ठीक है दोस्तों सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में और इंडिया और यूके के बीच में इंद्र धनुष चलता है ठीक है इंद्र धनुष उसके बाद दोस्तों जो है इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज होती है इंदिरा ठीक है क्लियर है समझ गए चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों 25 मई को एन आई टी तिरुचिरापल्ली में उद्घाटन किए गए आधुनिक सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है तो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर है ना उसका नाम क्या है परम पोरुल हम, हम लोगों ने तो बहुत सारे जो है कि सुपर कंप्यूटर देखे हैं परम सिद्धि परम सिवाय तक देखे हैं दोस्तों तो यहां पे अगर देखा जाए तो जापान का जो सुपर कंप्यूटर था दोस्तों फुगाकू वो अब भारत का सबसे ज्यादा बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं रहा दुनिया का अब इसकी जगह कौन हो गया है दुनिया का सबसे खतरनाक सुपर कंप्यूटर तो ये जापान का है ये अभी तक लीड कर रहा था अब यूएसए का है दोस्तों शायद उसका नाम फ्रंटियर है दोस्तों ये जो है कर रहा है ठीक है ये करीब करीब पेटा फ्लॉप में था 442 पेटा फ्लॉप या ऐसे कुछ करके था और ये दोस्तों एक्सा फ्लॉप में है एक्सा फ्लॉप इसकी स्पीड है और चौबीस फेटा फ्लॉप होगा तब ना एक्सा फ्लॉप होगा तो दोस्तों ये करीब 442 पेटा फ्लॉप रहा होगा मेरे हिसाब से ठीक है क्लियर है याद रहेगा परम गंगा आई आई टी आई आई टी रिद्धि कौन सा है जी अवधेश शुक्ला नया आई आई टी बनवा दिए क्या तुम लोग परम अनंत आई आई टी गांधीनगर वेरी गुड परम परम प्रवेगा एस आई 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 एस सी बेंगलोर परम गंगा आई आई टी रुड़की परम शक्ति आई आई टी खड़गपुर परम अनंत आई आई टी गांधीनगर एक्सट्राइनपुर वार शिवानी वेरी गुड तो दिव्या सोनल संजू सारथी पतिराम अवधेश भावेश राठौड़ आकाश लाडूकर सुमेर अहिरवार के के एस एच सोनल सब ताबड़ तोड़ खेल रहे हैं बहुत बढ़िया नाजमीन रूही जोशी बहुत अच्छा सूरज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग को एकदम रट डाले हो क्या नाम है सुपर कंप्यूटर को बहुत बढ़िया मैं मेरे से नहीं रटाता है सीडैक पुणे सीडैक दोस्तों जो है कि ये दुनिया भर को सुपर कंप्यूटर एक्सपोर्ट करता है सीडैक और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी है दोस्तों इसमें एक कंपनी हमारी मदद करती है ये अमेरिका की कंपनी है शायद निविडिया हमारी मदद करती है सुपर कंप्यूटर बनाने में ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और दोस्तों ये आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत अश्विनी वैष्णो के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो दोस्तों ये परम पुरुल को एनआईटी तिरुचिरापल्ली में जो है क्या किया गया है इनोग्रेट किया गया है ठीक है क्लियर है चलो बहुत बढ़िया दोस्तों बसाक सीर यूथ और स्पोर्ट्स फैसिलिटी स्तानबुल तुर्की में आयोजित आई महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर था दोस्तों ये उसी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है जिसमें नजहत जमीन क्या नाम था उसका नजहत उसने जो है दोस्तों वर्ल्ड बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनी है उसी वाले में दोस्तों उसी वाले टूर्नामेंट की ये बात हो रही है कि ये दोस्तों कहां पर हुआ अच्छा सबसे मजे की बात है कि इसमें बता भी रहा है क्वेश्चन में भी बता रहा है कि इस्तांबुल तुर्की में हुआ तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहां पे पूरा का पूरा लिखा ही हुआ है तो दोस्तों तुर्की की कैपिटल अब तुर्की को तुर्की बुलाया जा रहा है भाई तुर्की मत बुला इसको क्या बुला तुर्की जैसे लिखा है वैसे ही बुलाओ तुर्की है, अंकारा इसकी कैपिटल है लीरा इसकी जो करेंसी है करेंसी प्रेसिडेंट है एर्दोगन भारत का बड़ा दुश्मन आदमी है आर्टिकल 370 पे विरोध किया कश्मीर मुद्दे पे इसी का एक आ रहा था बंदा जो है टाटा एयरलाइंस का हेड बनने के लिए उसको तुरंत हमारे बजरंग दल वालों ने रोका सोशल मीडिया पे कि ये क्या कर रहे हो तुर्की से मंगाए हो इलकर आयसी को तुरंत इसको बैरन वापस करो टाटा का हाँ यार ये तो हम भूल ही गए तुर्की हमारा दुश्मन है तो दोस्तों निकह जरीन जो है ये 52 टू के जी में जो है यहाँ पर क्या जीती हैं दोस्तों गोल्ड जीती हैं ठीक है थाईलैंड वाली को हरा के आंध्र प्रदेश की निजामा बाद की रहने वाली हैं निकह जरीन कहाँ की रहने वाली है अक्सर आजकल मुस्लिम नाम देख के लोग कहते हैं कश्मीर की कश्मीर की है कश्मीर की है अरे भाई खाली कश्मीर ही थोड़ी है आंध्र प्रदेश की निजामाबाद से भी तो कोई आ सकती है निकहत जरीन ठीक है क्लियर है तो दोस्तों इसमें देखिए इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन पास्ट फोर है टोटल मेडल टेली ऑफ थ्री एक गोल्ड दो ब्रॉन्ज जीता है भारत इस पदक तालिका में दोस्तों जो है तीन मेडल जीता है ठीक है तीन मेडल एक गोल्ड दो ब्रॉन्ज जीता है ठीक है तर्की ने दोस्तों जो है कि यहां पे फाइव गोल्ड दो ब्रांज मेडल जीता है जो कि टॉप पर है दोस्तों लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है Listen to your heart. दोस्तों, ए लेकिन राइटर हैं दोस्तों खुशवंत सिंह जे के रोलिंग चेतन भगत जैसे ये भी बहुत फेमस हैं इनकी बुक एग्जाम में बहुत आती है इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है दोस्तों टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर बुक किसकी है रस्किन बॉन्ड की बुक है मैंने देखा ना देखो अट्ठासी नब्बे साल की उम्र में भी लोग पैसा कमा रहे हैं हर दो तीन महीने में बुक लिख देते हैं तो पुरानी बुक जो बिकती बिकती जाती है उनका भी पैसा इनको आता है रॉयल्टी आएगी इनके मरने के बाद भी आएगी तो ये सब रॉयल्टी इनकम होती है दोस्तों ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है तो दोस्तों उनकी पहली उपन्यास द रूफ द रूम ऑन द रूफ थी उनकी पहली उपन्यास क्या थी रूम ऑन द रूफ थी इस उपन्यास को उन्नीस सौ सत्तावन में जॉन लेवियन राइस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था साहित्य में उनके योगदान के लिए रस्किन बॉन्ड को उन्नीस सौ निन्यानवे और दो हजार चौदह में देहरा में अवर ट्री स्टील ग्रो के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है पद्म विभूषण से तो सिंजो आबे जी को भी सम्मानित किया जा चुका है तो दोस्तों इस बार जो है पद्म विभूषण कल्याण सिंह जी को बिपिन भी, सिंह रावत जी को और आ, प्रतिभा अत्रे जी को और एक लोग थे जो मरणोपरांत उनको भी मिला है गीता प्रेस के जो संपादक थे राधेश्याम खेनका जी को मिला है दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एंटी टेरर मीट जो है कहां पे हुई है तो एंटी टेरर मीट का होस्ट और चेयर कौन है दोस्तों भारत है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है झांग मिंग हैं दोस्तों 2001 में यह संस्था आई थी और इसमें जो है दोस्तों अभी एक मेंबर जुड़ गया है यानी नौ मेंबर हो गए हैं ईरान इसका मेंबर बन गया है ठीक है क्लियर है और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट नाम है संघाई लेकिन इसका डक्वार्टर बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर पे बीजिंग में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है ठीक है अभी इंडिया आशियान वाला जो एक मीटिंग हुआ था दोस्तों उसकी भी जो है भारत ही अध्यक्षता किया था इंडिया और यूरोपियन यूनियन वाला जो समिट हुआ था वो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था जहां नाटो का हेडक्वार्टर है नाटो का पिछले साल का मीटिंग तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही हुआ था लेकिन नाटो का इस बार की मीटिंग स्पेन में मैड्रिड में हुई है जहां पे दोस्तों दो देशों ने आप, आ, को जो है इन्होंने शामिल करने की बात कही है दो देशों को शामिल करने की बात कही है दोस्तों ये कैसे याद होगा कैसे याद होगा तो नीरज चोपड़ा याद कराएंगे नीरज चोपड़ा चौदह जून को फिनलैंड में एट्टी नाइन पॉइंट थ्री मीटर फेंक के नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे तो फिनलैंड नाटो में एड हो रहा है दूसरा दोस्तों फिर 30 जून को उन्होंने 14 जून वाला रिकॉर्ड तोड़ा 89.94 मीटर फेंक करके उन्होंने दोस्तों जो है फिर अपना एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया ये वाला स्वीडन में बनाया तो यानी स्वीडन भी नाटो में ऐड हो रहा है तो ये दो देश दोस्तों नाटो में ऐड हो रहे हैं वहीं पे दोस्तों कॉमनवेल्थ नेशन में चौवन देश थे उसका मीटिंग इस बार रवांडा में हुआ कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंगम में होगा लेकिन उसमें भी दो देश ऐड हो रहे हैं ये ब्रिटेन के सारे गुलाम देश जो थे आजादी के पहले उनका संगठन है लेकिन इसमें दो देश ऐसे ऐड हो रहे हैं जो फ्रेंच उपनिवेश थे फ्रेंच कॉलोनीज थे दोस्तों फ्रांसीसी उपनिवेशिक ये देश थे वो थे दोस्तों टोगो और गेबोन टोगो और गेबोन दो देश जो है कॉमनवेल्थ में ऐड हो रहे हैं ठीक है कितना बढ़िया हम लोग याद कर नीरज चोपड़ा हमको याद करा रहे नाटो अब इससे बढ़िया क्या लोगे इससे अच्छे दिन क्या आएंगे बताइए तो दोस्तों आज जो है कल मोदी जी ने अशोक स्तंभ नेशनल एम्बलम का जो है दोस्तों शुभारंभ किया था कल मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि सत्यमेव जयते वो कब ऐड हुआ था नेशनल एम्बलम में वो जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है अशोक स्तंभ यही सारनाथ मेरे घर के दो किलोमीटर बगल में है सारनाथ जहां महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वहां अशोक ने एक शिलालेख लगाई थी सम्राट अशोक भी तो बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे कलिंग युद्ध के बाद उन्हीं के बेटे संगमित्रा महिन्द्रा पूरी दुनिया में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया जो श्रीलंका वियतनाम जापान ये सब जो बौद्ध कंट्रीज देख रहे हो तुम ये मंगोलिया में अभी कपिल वस्तु से जो है कि आ, आ, महात्मा बुद्ध के अवशेष जो है भेजे गए हैं पवित्र अवशेष तो ये सब जो है दोस्तों अशोक के बेटों के द्वारा फैलाया गया अशोक के द्वारा फैलाया गया तो अशोक ने जब शस्त्र उठाया तो भाई साहब अखंड भारत बना दिया कलिंग में भी जो है दोस्तों जो है कब्जा कर लिया कश्मीर अफगानिस्तान पूरा अखंड बाध और जब शास्त्र उठाया तो पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार कर दिया इसीलिए सम्राट अशोक के चिन्ह को हम अपने भारत का सरकार का चिन्ह मानते हैं सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ में जो चक्र है दोस्तों उसको हमने अपने तिरंगे में स्थान दिया हुआ है उसको अपने तिरंगे में स्थान दिया हुआ है मतलब ऐसा माना जाता है माना जाता है मतलब कहीं लिखित नहीं है कि जैसे कि सेफ्रॉन रंग हिंदुओं का वाइट कलर जो हो गया आपका क्रिश्चियंस का और ग्रीन कलर हो गया तिरंगे में अः क्या नाम है इनका मुसलमानों का और जो चक्र है वो बुद्धिस्ट बुद्धिज्म को प्रतीक है बुद्धिज्म को बताता है मतलब ऐसा कहा जाता है ठीक है क्लियर है बात समझ गए चलो तो खैर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं ज्यादा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है Global Collaboration Village दोस्तों 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 ये ये जो है है? है है। किस किस की तो की की नई नई पहल 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 तो का मीटिंग इस बार कहा हुआ दावोस में हुआ है वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है कोलोन में है स्विट्जरलैंड में हेड कौन है क्लाश स्वाब है क्लाश श्वाब जो है दोस्तों इसके हेड हैं ठीक है, है? स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उन्नीस में आई थी ओके क्लियर है बात समझ में आ गई तो इस बार दावोस में दोस्तों ये ग्लोबल कोलेबरेशन विलेज का एक नया इनिशिएटिव इन्होंने दिया है ग्लोबल कोलेबोरेशन विलेज का दोस्तों इन्होंने वैश्विक सहयोग गांव का इन्होंने पहल रखी है यह पहल एक्सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से शुरू की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मेटावर्स को प्रतिभाषित करने और बनाने के लिए पहल शुरू की है तो मेटावर्स के लिए दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल कोलेबोरेशन विलेज बनाने की बात की दोस्तों हमारे सरकार का एक हेल्प डेस्क है माई जियोवी हेल्प डेस्क माई जियवी हेल्प डेस्क पे आप कुछ भी जो है हेल्प और कुछ भी आप मदद अपनी मांग सकते हैं कि योजना में कहाँ पे हमें संपर्क करें कौन सी योजना इसके लिए है तो दोस्तों ये व्हाट्सएप पर भी अब नागरिकों के लिए सुलभ बनाया जा रहा है व्हाट्सएप पर भी नागरिकों के लिए सुलभ बनाया जा रहा है दोस्तों इंडिया पोस्ट ने अभी एन एफ शुरू कर दिया है इंडिया पोस्ट ने गुजरात में पोस्ट से डिलीवरी शुरू कर दी है दोस्तों तो माई गियोवी ने घोषणा की है कि नागरिक डिजी लॉकर सेवा का यूज करने के लिए व्हाट्सएप पर माई जीओवी हेल्प डेस्क का उपयोग करने में सक्षम होंगे डिजी लॉकर में दोस्तों आप अपना डीएल अपना इंश्योरेंस के कागज अपना हर चीज डिजी लॉकर में पैन कार्ड आधार कार्ड सब ऑनलाइन जो है वो डेटा फेच कर लेगा और आपके डिजी लॉकर में आ जाएगा डिजी लॉकर ऐप आपके पास होना चाहिए कभी आप कागज वागज भूल गए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को अपने गाड़ी कागज दिखा दिया इंश्योरेंस का कागज दिखा दिया सब डिजी लॉकर से ही दिखा दो कागज लेके घूमने की जरूरत ही नहीं है डिजी लॉकर में आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं ठीक है क्लियर है डिजिटल इंडिया दोस्तों अभी चार जुलाई से नौ जुलाई के बीच में ये डिजिटल इंडिया वीक भी मनाया गया है डिजिटल इंडिया वीक भी दोस्तों मनाया गया है ठीक है दोस्तों इतना पढ़ाई करने के बाद अगर मैं आप लोग को आज एक मिनट में कुछ ऐसा ट्रिक बता दूं तो मजा आ जाए जैसे कि एक ट्रिक है कि एक नवंबर को कौन कौन सा स्टेटहुड डे मनाते हैं तो दोस्तों एक मिनट में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह स्टेट थर्टीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अपना स्टेट हुड डे एक नवंबर को यानी एक नवंबर को वो बनी थी ठीक है क्लियर है उसको आप लोग को ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ा दे तो मजा आ जाएगा कि नहीं पॉलीवर्सिटी जो है वो एजुकेशन वाला है एजुकेशन वाला और बैंकिंग वाला है बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों 1956 वाले पहले देख लेते हैं 1956 1 एक नवंबर 1956 को केरल बना एक नवंबर 1956 को एमपी बना एक नवंबर 1956 को तमिलनाडु बना एक नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश बना आंध्र प्रदेश को कहा जाता है कि भाषा के आधार पर डिवाइड होने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश ही था एक नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार बना एक नवंबर 1956 को आपका न्यू दिल्ली बना और एक नवंबर 1956 को लक्षद्वीप बना लक्षद्वीप बना ये जो है दोस्तों इतने तो जो है 1956 में आए हैं पहले तो हमने 1956 को अलग कर लिया ठीक है क्लियर है उसके पहले अगर देखा जाए तो ये जो है 1994 वाला दिखता है उसके पहले जो देखा जाए तो वो 1994 वाला दिखता है पुडुचेरी ठीक है इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो 1966 वाले में आ जाए तो पंजाब दिख जाएगा हरियाणा दिख जाएगा अब पंजाब हरियाणा दिख गया चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दोस्तों दोनों का कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ है चंडीगढ़ अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है पंजाब हरियाणा डिवाइड हुआ ठीक है तो ये सब 1966 वाले हैं ठीक है क्लियर है कर्नाटका भी आपका 1956 वाला ही है तो हो गए ये सारे के सारे अब एक नवंबर के एक दिन पहले क्या आता है फटाफट बताइए कि एक नवंबर के पहले क्या आता है फटाफट बताइएगा दोस्तों एक नवंबर के पहले क्या आता है इकतीस अक्टूबर आता है क्या आता है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर आता है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर आता है दोस्तों दो हजार उन्नीस जिस दिन हम लोग नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं इस दिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बने दोस्तों वैसे पांच अगस्त को ये एक्ट पास हो गया था लेकिन सरदार पटेल के बर्थडे वाले दिन 31 अक्टूबर को इसको जो है वो किया गया लागू किया गया ठीक एक दिन पहले एक नवंबर के एक दिन पहले ठीक है क्लियर है याद रहेगा इसके बाद दोस्तों यही नहीं अभी और सुनो यही नहीं अभी और सुनिए यही नहीं अभी और सुनिए नवंबर में ही अगर हम लोग आ जाते हैं तो सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोस्तों एक काम किया था कि एक नवंबर नौ नवंबर और पंद्रह नवंबर को तीन रा, राज्य डिवाइड किए एक नवंबर को यूपी से उत्तराखंड अलग किया 9 नवंबर को दोस्तों एमपी से नहीं मैं उल्टा लिख दिया एक मिनट एक नवंबर को दोस्तों एमपी से क्या किया छत्तीसगढ़ को अलग किया नौ नवंबर को दोस्तों यूपी से उत्तराखंड को अलग किया और दोस्तों पंद्रह नवंबर को पंद्रह नवंबर ट्राइबल प्राइड डे को बिहार से भगवान बिरसा मुंडा के बर्थडे पर झारखंड को अलग किया समझ गए तो दोस्तों जो है ये है ये जो है आपका पूरा का पूरा नवंबर का पूरा का पूरा, पूरा ये है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ गई यही नहीं अभी और सुनिए यही नहीं अभी और सुनिए क्या सुनेंगे कि दोस्तों वैसे तो 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगीज से आजाद कराया गया पुर्तगालियों से गोवा को लेकिन वो अपना आजादी के दिन को स्टेट डे नहीं मनाता वो मनाता है 30 मई 30 मई 1987 को जब उसको जो है स्टेट का दर्जा मिला यही नहीं अभी और सुनिए आंध्र प्रदेश जो कि भाई साहब 56 में भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग हुआ लेकिन ये और तेलंगाना अपना जो बर्थडे है स्टेटहुड डे वो कब मनाते हैं 2 जून 2014 को ये सबसे फ्रेश राज्य बना है आखिरी राज्य जो है यही बना है इसके बाद तो एक राज्य कम ही हुआ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरेटरी बन गया बात समझ में आ रही है क्लियर है तीस मई भाई तीन मई नहीं तो 2014 को 2 जून को तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये दोनों अपना स्टेट टुडे इस दिन बनाते हैं अप्रैल एक अप्रैल एक 1936 को उड़ीसा अपना स्टेट टुडे मनाता है क्योंकि वो बंगाल से अलग हुआ था उत्कल दिवस के रूप में मनाता है दोस्तों बिहार जो है वो 22 मार्च को मनाता है 22 मार्च 1912 को बिहार भी बंगाल से अलग हुआ था वो अपना दिन मनाता है 24 जनवरी 24 जनवरी को यूपी अपना स्टेट डे मनाता है 24 जनवरी 1950 को 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दो दिन पहले 26 जनवरी को दो दिन के दो दिन पहले ठीक है क्लियर है झारखंड बिहार से अलग हुआ था और एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था ठीक है पांच अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं अच्छा ठीक है चलो तो ये स्टेट डे आप लोग को पढ़ा दिया मैंने आप लोग को मजा आया कि नहीं आया बताओ मजा आया कि नहीं अब लोग कहेंगे सर मजा कैसे आएगा आज एक भी स्टेट का पोस्टमार्टम आप नहीं किए सर ऐसा मत करके जाइए भले ही छह बज गया सर स्टेट का पोस्टमार्टम करके जाइए तो आइए मेघालय मेघो कालय कैपिटल शिलोंग को सी संगमा मुख्यमंत्री सत्यपाल मलिक गवर्नर मेघालय में माशिन राम एक जगह है मासीन राम में कितनी वर्षा हुई दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया 1966 का इसने चेरापूंजी का एक हजार तीन मिलीमीटर दोस्तों वर्षा हुई है चौबीस घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बारिश यही होती है चेरापूंजी भी इसी के बगल में मेघो का आल इसीलिए तो कहते हैं बादलों का घर इसको दोस्तों पिगरी प्रोजेक्ट यहां शुरू हुआ यूनाइट यूनेस्को के दोस्तों टेंटेटिव लिस्ट में अस्थायी सूची में रबड़ का जो है दो ब्रिज बनाए जाते हैं नदी के दो तरफ उनसे लिविंग रूट आपस में जोड़े जाते हैं पंद्रह साल में एक ब्रिज बन के तैयार होता है और वो सालों सौ सा, साल दो सौ साल से दोस्तों वहां ब्रिज जीवित अवस्था में है वो पेड़ जब तक जीवित रहेगा लिविंग रूट ब्रिज लिविंग जड़ों और तनों से वो ब्रिज बनाए जाते हैं बहुत ही सुंदर ब्रिज होते हैं दोस्तों मैंने फोटो दिखाई भी आप लोग को बहुत बार नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप दोस्तों यहां पे मेघालय में हुआ भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टेबल टेनिस टूर्नामेंट यहां पे किया दोस्तों मेघालय ने सभी टोल को खत्म कर दिया अपने सारे नेशनल हाईवे से सभी स्टेट हाईवे से खत्म कर दिया है टोल हाई आ, टोल लेना दोस्तों अभी डब्ल्यू अवार्ड मेघालय को मिला है मेघालय के इंटरप्राइज आर्किटेक्चर इंप्लीमेंटेशन पर एक ई प्रपोजल सिस्टम है जिसने यूनाइटेड नेशन का डब्ल्यू एस आई एस अवार्ड जीता है डब्ल्यू एस आई एस का मतलब वर्ल्ड सबमिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइस तो दोस्तों एक राज्य का पोस्टमार्टम भी हो गया अब आप लोग बताइए और भी कुछ चाहिए नहीं मेघालय में वीमेंस के लिए नहीं किया वो तो उत्तराखंड में किया नारी को नमन स्टार्टअप में आया है मेघालय के रहेंगे अच्छा वेरी गुड यूपी में बहुत कुछ हो रहा है मैं रोज किसी ने किसी राज्य का पोस्टमार्टम करता हूं तो आज मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया ठीक है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही रखा जाए रात को नौ बजे फिर मुलाकात होगी मंथली रिवीजन में आज बैंकिंग अवेयरनेस की जो मेरी पहली क्लास थी कल की आज भैया वो जो है ताबड़तोड़ उसने सब्सक्राइबर भी दिए ताबड़तोड़ उसमें व्यूज भी मिले हैं उस सेशन को अगर आप भी आगे बढ़ाएंगे तो जितने भी बच्चे जो शुरू कर रहे हैं बैंकिंग की तैयारी उनको दोस्तों एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि बैंकिंग का यहां पे क्लास शुरू हो रहा है तो जो लोग किसी और चैनल को भी देखते होंगे वो लोग हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो है उस वीडियो को जरूर आप लोग आगे बढ़ाइएगा ठीक है जितना भी गेम चेंजर बैच के मेरे वीडियोस हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ये बेस्ट टू हंड्रेड वाला तो शेयर करते ही हैं लेकिन उसे आज शेयर करिए जो मेरा बारह बजे वाला कल का शो था जो बहुत तेजी से उसको आगे अभी जो सारी ग्यारह सो बारह छोटे चैनल के लिए इतनी को अभी चाहते हैं तो, है। तो दोस्तों कल से नौ बजे वाली क्लास हम लोग मंथली वाली नहीं करेंगे उसको पांच बजे वाले में मर्ज कर देंगे अब नौ बजे वाले नाराज हो जाएंगे कि नौ बजे क्या नौ बजे मेरा भी फेवरेट टाइम है तो नौ बजे हम अपना सबसे फेवरेट शो लाएंगे कोई ना कोई बैंकिंग या कोई ना कोई फिनेंशियल या ना कोई कोई बर्निंग इश्यू टॉपिक पर एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा पंद्रह तो नौ बजे का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा दिन का एक चीज को पूरा रिसर्च करके आपको बताना एक चीज को पूरा रिसर्च करके बताना इस पर अपनी रात की नौ बजे वाली क्लास होगी दोस्तों रोज होगी कोई नई नई चीज सिखाऊंगा रोज नए नए कोई टॉपिक आपको सिखाऊंगा रोज कोई नई नई बात एक टॉपिक पे बताऊंगा ठीक है क्लियर है मजा आएगा रात को नौ बजे वाले पे हम लोग बर्निंग इशू या फिर फिनेंशियल टॉपिक्स करें क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाइक कर रहे हैं लोग फिनेंशियल हम लोग ने एक ही लेक्चर लिया अगर पता होता कि पहले अगर कि लाइक कर रहे इतना ज्यादा इसको लाइक करेंगे हम पहले से ही शुरू कर देते लेकिन भाई ये आप लोगों का सहयोग है आप लोग का प्यार है आप लोगों ने इतना प्यार दिया सहयोग दिया सम्मान दिया और आगे भी ऐसा ही देते रहेंगे करते रहेंगे और हम मेहनत करते रहेंगे और आपको डिटेल में हर चीज देंगे लोग कहते सर आपके एक मिनट शॉर्ट में ही इतनी जानकारी मिल जाती है आप थोड़ा लंबा वीडियो बनाइए सर हम लोग को बहुत जरूरत है और भी जानकारी मिलेगी तो बिल्कुल ऐसी ही कुछ कोशिश अब हमारी रहने वाली है ठीक है क्लियर है याद रहेगा तो देखिए यहां जीए बाई प्यूसर टेलीग्राम ज्वाइन करने की भी बात हो रही है बिल्कुल जीए बाई प्यूसर टेलीग्राम का लिंक यही डिस्क्रिप्शन में होगा एरो होगा ना नीचे एरो दबाओ और वहां से पूरा खुल के आ जाएगा मेरे हर सोशल मीडिया का लिंक होगा नहीं तो इसी चैनल के अबाउट में चले जाओ सब लिंक मिल जाएगा नहीं तो जीए बाई प्यूसर सर्च कर लो टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा मैं पीडीएफ भी मिल जाएगा ठीक है क्लियर है एस एच कह रहे हैं सर ये सही होगा सर जी हाँ तो अपनी क्लास लिमिटेड करेंगे और लेकिन बेस्ट क्लासेस करेंगे ओके मैं हर एक्सपेरिमेंट कर, के, के के हाँ, कर देंगे कि आरबीआई ने क्या नया लाया व्हाट्स न्यू आरबीआई ने क्या व्हाट्स न्यू लाया वाई आरबीआई वाई इन न्यूज कर एक सेगमेंट चला देंगे उसमें आपको पूरा पढ़ा देंगे ठीक है एक आरबीआई का सेगमेंट चला देंगे एकदम निश्चिंत रहो एक एक चीज किया जाएगा एकदम टेंशन मत लो ठीक है चलो ओके बाय बाय टेक केयर मिलते हैं आज रात को नौ बजे मंथली करेंट अफेयर की क्लास में मजा आएगा दोस्तों कल से अपना जून वाला यहीं शुरू हो जाएगा कल से अपना जून वाला यहीं शुरू हो जाएगा ठीक है तो जहां तक आज पढ़े रात को मंथली वहां तक वो रात वाला चलेगा आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद कल से उसी के आगे से यहाँ पे शुरू हो जाएगा ठीक है क्लियर है चलो ओके बाय बाय टेक केयर गुड नाइट गुड नाइट अभी कहा अभी तो नौ बजे मिलना बाय गॉड ब्लेस यू आर